ठीक है, तो अपने डाइवर्ट करें, डेरिवेटिव बेसिक्स, डेरिवेटिव बेसिक्स, डेरिवेटिव बेसिक्स, ओके, लिसन प्लीज। एक ही एग्जाम्पल पकड़ते हैं जिसके हेल्प से पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। टोटल आईपीएल में कितना सारा मैचेस था फॉर दोज हु विल नॉट क्वालिफाई, शुरू में कितना मैचेस, 26 था क्या? हाँ नहीं, एक टीम कितना मैचेस प्ले करेगा, 14, ओके, 14 मैचेस प्ले करेगा अगर अपने वो वाला राउंड्स नहीं मान रहे जो क्वालिफाई राउंड्स होते हैं, तो 14 मैचेस एक टीम प्ले करेगा, 14 मैचेस, तो इन दैट केस अपने अपना जो टीम है वो सपोज केकेआर में अपने इंटरेस्टेड है, तो केकेआर 14 मैच खेलेगा आईपीएल में, ठीक है ना। तो जो 14 मैच खेलेगा उसमें हर मैच में वो क्या रन्स बनाएगा, टोटल रन्स, वो सर्टेन है या अनसर्टेन है? अनसर्टेन है, ठीक है, वो अनसर्टेन है। उसके उसके ऊपर अपने को बेट करना है, शर्त लगाना है, और बेटिंग तो लीगलाइज्ड है, काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ पे बेटिंग्स आर लीगल, यू कैन डू द बेट। तो इन दैट केस हमने को बेट लगाना है केकेआर का मैच में स्कोर्स क्या होगा, टोटल 14 मैचेस है। तो फर्स्ट मैच का बात करते हैं, फर्स्ट मैच में जो बेट लगाना है ना, वो बेट इस तरह का लग रहा है कि लोग जो भी बेट लगा रहे हैं, अपने सबजन सपोज बेट लगा रहे हैं, तो किसी का बुलिश बेट है कि ज्यादा रन बनाएगा, किसी का बेरिश बेट है कम रन बनाएगा, ठीक है। ये जो डिमांड सप्लाई क्रिएट हो रहा है इससे मोटा मोटी जो स्कोर है वो 142 का आ रहा है, 142 से डिमांड सप्लाई मैच हुआ, ठीक है। तो विच मीन्स 142 के या तो ऊपर या नीचे बेट लगाना है सबको, अभी राइट नाउ मोबाइल पे बेट लगाना है, 142 का भाव चल रहा है, तो 142 के ऊपर का या नीचे का बेट लगाओ। तो तुम अगर ऊपर का बेट लगाओगे उसको अपने बोलते हैं एफ प्लस, क्या बोलते हैं, एफ प्लस। एफ कैन रेफर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर क्या, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, दोनों का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज सेम है, फॉरवर्ड माने बाद के लिए, फ्यूचर्स माने बाद के लिए, लुक एट द इंग्लिश लैंग्वेज, फॉरवर्ड बाद के लिए बेट लगा रहे हैं, फॉरवर्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा आदमी क्या करेगा, एफ माइनस, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट तो दो आदमी के बिना हो नहीं सकता है। तो जब तुम कंप्यूटर पर ट्रेडिंग करते समय किसी शेयर पर बेट लगाएगा प्लस, तो कोई ना कोई तो माइनस किया ही है, यू कैन नॉट बेट विद द वॉल, यू हैव टू बेट विद समबडी। तो एक आदमी किया एफ प्लस, एक आदमी किया एफ माइनस, अपने मान रहे मोबाइल पे अपने बेट लगाए 142 पे, हर एक रन इज इक्वल टू, मान रहा हूं 10,000 रुपया, हर एक रन 10,000 रुपया है। तो केकेआर 142 के बजाय अगर 152 बनाया, 152 बनाया उस मैच में, तो इन दैट केस तुम कितना जीता, अगर तुम एफ प्लस किया था, 10 × 10,000 इक्वल टू व्हाट, 1,00,000। वो जो एफ माइनस किया उसको 1,00,000 देना पड़ेगा, ठीक है। तो 142 के बजाय शेयर प्राइस हो सकता था कि शेयर प्राइस से बेट लग रहा है, 142 के ऊपर का, 142 के नीचे का। तो एक आदमी एफ प्लस कर रहा है, एक आदमी एफ माइनस कर रहा है, चीज समझो। ये सेम चीज शेयर मार्केट में भी होता है विदाउट डेरिवेटिव, पर उस पर क्या होता है, शेयर खरीदना पड़ता है, 142 का शेयर खरीद लो, 142 का शेयर बाई कर लो, और उसके बाद अगर दाम बढ़ जाएगा 152 बेच देना, तब भी तो वही चीज हो रहा है, पर वहां पैसा लग के हो रहा है। अगर शेयर में कर रहे हैं तो पैसा लगा के हो रहा है ना, पहले 142 का शेयर खरीदना पड़ेगा फिर 152 में बेचेंगे, वहां शेयर खरीद के हो रहा है। और अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो विदाउट पैसा दिए हुए हो रहे हैं, विदाउट पैसा दिए हुए, ठीक है। 10,000 शेयर्स का तो 142 में बेट लगा लिया, 10,000 शेयर्स का, तो हर एक रुपया पे तुम्हें 10,000 का फायदा घटा होगा, 10,000 × 142, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड फ्यूचर्स, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड फ्यूचर्स, ठीक है। तो इतना सिंपल चीज है समझने पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर थ्योरेटिकली कॉम्प्लिकेट नहीं करें तो, इट इज सिंपल बेटिंग फॉर द अपसाइड फॉर द डाउनसाइड बेस्ड ऑन योर बुलिश एंड बेरिश बिलीफ। नाउ ये जो बेट वर्ड है, इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ स्पेक्यूलेशन, इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ स्पेक्यूलेशन, या हिंदी में बोले तो फाटका कर रहे हैं अपने, ठीक है ना, अपने फाटका कर रहे हैं 142 के ऊपर नीचे का। जबकि डेरिवेटिव का पर्पस एक्चुअली है रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव का पर्पस है रिस्क मैनेजमेंट, तभी तो अपने रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट में डेरिवेटिव ही डेरिवेटिव है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब मैंने फर्स्ट क्लास बोला था, इज नॉट रिस्क एलिमिनेशन, रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट रिस्क एलिमिनेशन, रिस्क मैनेजमेंट नेसेसरली डज नॉट मीन्स रिस्क रिडक्शन, रिस्क मैनेजमेंट में इन्वॉल्व इंक्रीजिंग रिस्क। क्या रिस्क मैनेजमेंट में इंक्रीजिंग रिस्क आ सकता है? हाँ आ सकता है,
जो रिस्क हमको लगता है, मेरे को नॉलेज है, हमको लगता है ऐसा होगा, वो हम रिस्क लेंगे। जो रिस्क हमको लगता है हम डरे हुए हैं नहीं यार नहीं होगा, वो रिस्क हम नहीं लेंगे। विच मीन्स दैट अगर यही चीज है कि कोई क्या बोलते हैं कमोडिटी का प्राइस है, कमोडिटी है, कमोडिटी जिसका दाम 142, जैसे ऑयल है, ऑयल का दाम 80-82 डॉलर्स, ऑयल का दाम 80-82 डॉलर्स पर बैरल, ठीक है। तो जो जेट एयरवेज है, जेट एयरवेज जो ऑयल खरीदता है उसको तो ऑयल का दाम बढ़ने से डर है, जेट एयरवेज को तो ऑयल का दाम बढ़ने से डर है, उसका पूरा बिजनेस गड़बड़ हो जाएगा ऑयल का दाम बढ़ने से। तो वो क्या किया, वो किसी से शर्त लगाया, अगर ऑयल का दाम 82 के ऊपर गया, अगर ऑयल का दाम 82 के ऊपर गया तो जेट एयरवेज एफ प्लस कर लिया, क्या कर लिया, एफ प्लस ऑयल पे जानबूझ के। जानबूझ के क्यों किया, जिससे अगर ऑयल का दाम 82 डॉलर्स पर बैरल के ऊपर जाए तो बेट में शर्त में जीतेगा और बिजनेस में हारेगा, क्योंकि बिजनेस में तो उसको ऑयल ज्यादा दाम पे खरीदना पड़ेगा, तो बिजनेस में जो भी नुकसान होगा वो डेरिवेटिव से मेकअप हो जाएगा ना। तो यहां पे देखा जाए तो वो बेट कर रहा था, बट बेट क्यों कर रहा था, स्पेकुलेशन फाटका के लिए कि हेजिंग के लिए, हेजिंग के लिए। तो अंडरस्टैंड, सो मेनी कंपनीज आर अफ्रेड ऑफ टेम्परेचर्स। एक एयर कंडीशनर कंपनी है एसी, उसको क्या चीज का डर है, समर्स बीइंग मोर हॉट और समर्स बीइंग लेस हॉट। लेस हॉट एसी कंपनी का बिजनेस है मेरा, मेरे को डर है इस बार टेम्परेचर लो रह गया तो इन दैट केस टेम्परेचर बेट कर रहे हैं। टेम्परेचर कैलकाटा वाइज मान लिया अपने, सपोज 40 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज में, तो बात हुआ बेटिंग में। एवरेज टेम्परेचर कैलकाटा का, एवरेज टेम्परेचर महीना का देखा जाएगा कि कौन सा टाइम का, सपोज 2 बजे का, कि 2 बजे आज कितना टेम्परेचर है, कल क्या है, परसों क्या है, तरसों क्या है, पूरा महीना भर टेम्परेचर आया, उसका एवरेज निकाले। अगर 40 डिग्री के नीचे आया तो एक जन जीता, ऊपर आया तो 2 जन जीता। हर एक डिग्री मतलब सपोज 10 लाख, हर एक डिग्री मतलब 10 लाख। तो टेम्परेचर बेटिंग खराब चीज क्या है, इससे करने से जो लोग टेम्परेचर पे एक्सपोज थे वो लोग अपना बिजनेस को बचा सकते हैं ना। रेनफॉल पे एक्सपोज है, रेनफॉल पे बेटिंग, ठीक है। तो रन्स हो या शेयर्स हो या निफ्टी हो या रूपी पर डॉलर हो या टेम्परेचर हो चाहे रेनफॉल हो, सब पे एक बेटिंग का व्हीकल बना दिया। व्हाट इज दैट, डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव। उससे आप रिस्क ले भी सकते हो, उससे आप रिस्क काट भी सकते हो। तो सबसे बेस्ट पार्ट है, इससे जिन लोग का दम है वो लोग रिस्क लेंगे, जिन लोग का दम नहीं है वो लोग रिस्क हटाएंगे। अल्टीमेटली रिस्क विल बी बॉर्न इन द इकोनॉमी बाय दोज पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू बेयर रिस्क, ना, दैट इज गुड, ठीक है। अदरवाइज डेरिवेटिव नहीं होगा तो जबरदस्ती उनको रिस्क सहना पड़ेगा जिनको मन नहीं है, और वो लोग रिस्क ले नहीं पाएंगे जिनका मन है, दैट्स रॉन्ग ना। तो ऑप्टिमल रिस्क ट्रांसफर इन द इकोनॉमी, ठीक है। आपको फॉरवर्ड ऑफ फ्यूचर समझ में आ गया है, फॉरवर्ड ऑफ फ्यूचर में तो कुछ भी नहीं है, एक भाव है उसके ऊपर और नीचे का शर्त। डिफरेंस क्या है, फॉरवर्ड एक दूसरे के साथ होगा, यानी क्लास में आज तुम लोग बात कर लो कोई दो जन किसी शेयर के बारे में कि यार कौन एनएससी बीएससी में ब्रोकरेज देगा, एनएससी बीएससी में ट्रेडिंग करता है तो ब्रोकरेज लगता है ना फालतू का, तो तुम लोग दो जन एक दूसरे से बात कर लो यार शेयर का दाम इतना क्लोज हुआ था, वापस अपने सैटरडे मिलते हैं, फ्राइडे का क्लोज के ऊपर बैठ लगा लो कोई दो जन, ठीक है, शेयर पे इजिली कर सकता है, करता भी होगा लोग, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग, इलीगल है, बट यू कैन डू दैट कि शेयर का दाम नेक्स्ट फ्राइडे क्या होगा, चल उसका शर्त लगा लेते हैं, नीचे हुआ तो मेरे को पैसा देगा, ऊपर हुआ तो हम तेरे को पैसा देंगे। ये जो बेट लगा रहे हैं दिस इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, किसके साथ, एक दूसरे के साथ। मोर फॉर्मली स्पीकिंग ये ओवर द काउंटर होता है, ओटीसी, जो कि बैंक के साथ होता है, किसके साथ, बैंक के साथ। बैंक के साथ अपने फॉरवर्ड बुक कर सकते हैं, ठीक है। आपका $50,000 का माल मंगाया हुआ है, पे करने एक महीने बाद, डर लग रहा है पता नहीं यार डॉलर कहाँ जाएगा, क्या पता 70, 72, 73 हो गया, तो तुम बैंक के पास जाओ और बैंक को बोलो यार मेरा 72 पे फिक्स कर दे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो बैंक के साथ जो होता है वो फॉरवर्ड, और एनएससी बीएससी में जो होता है वो फ्यूचर्स। बैंक के साथ जो होता है फॉरवर्ड, एनएससी बीएससी में जो होता है वो क्या, फ्यूचर्स, समझ गए। तो फॉरवर्ड फ्यूचर सेम, एनएससी बीएससी में जो हो रहा है फ्यूचर्स, बैंक के साथ जो हो रहा है वो क्या, फॉरवर्ड। अब ध्यान देना, वापस से अपने आईपीएल में आ गए, कितना मैचेस है, 14 मैचेस है, एक साथ 14 टू बैट लगा लेते हैं, एक साथ 14 टू बैट लगा रहे हैं, ये पूरा आईपीएल के सीजन में चलेगा। 142 के ऊपर का मेरा बैट है, 142 के नीचे का तुम्हारा बैट है, माने एक तरह से एफ प्लस है कि 14 टू एफ प्लस, और तुम्हारा क्या है, 14 टू F-, अपने एक साथ 14 टू बेट लगा लिए। ये जो लगाए ना, इसको बोलते हैं स्वैप, क्या बोलते हैं, स्वैप। स्वैप इज अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप इज अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक बार शर्त के बजाय 14 बार शर्त, पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मतलब मार्केट्स का, 5 साल का शर्त लगाते हैं अपने
जिसमें हर क्वार्टर में, सुनना क्या, हर क्वार्टर में, फर्स्ट जैन से चालू हुआ, हर क्वार्टर में तुम मेरे को रिलायंस का रिटर्न देना, रिलायंस का स्टॉक का रिटर्न, हम तुमको इन्फोसिस का रिटर्न देगा, तुम मेरे को रिलायंस का रिटर्न देना, हम तुमको इन्फोसिस का रिटर्न देगा, हर क्वार्टर में चेक करेंगे। तो रिलायंस का दाम 1000 था, 31 मार्च को 3 महीने बाद रिलायंस का दाम जो है 1100 हो गया, कितना बढ़ा, 10%, तुम मेरे को दो। इन्फोसिस का दाम जो है 8% बढ़ा, कितना, 8%, हम तुमको 8 देगा, तो तुम मेरे को 10% देगा, हम तुमको 8% देगा, नेट नेट तुम कितना देगा, 2%, 2% किस पे, एक अमाउंट बात कर लेंगे, 500 लाख पे, 5 करोड़ पे, तो 5 करोड़ का 2% तो मेरे को देगा 31 मार्च को। वापस चालू हुआ अप्रैल से जून, फिर से निकालेंगे परसेंटेज चेंज, वापस चालू हुआ जुलाई से सितंबर, फिर से परसेंटेज, 5 साल में 20 बार, 5 साल में 20 बार, दिस वॉज फॉरवर्ड और दिस वॉज स्वैप, स्वैप बिकॉज बहुत बार ना एक ही कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल टाइम्स बेटिंग, दिस इज वॉट स्वैप, ठीक है। तो स्वैप इज अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड क्यों बोला, बिकॉज स्वैप एनएससी बीएससी में नहीं होता है, स्वैप बैंक के साथ ही होता है, तो फॉरवर्ड है, फ्यूचर्स नहीं है, ठीक है, पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। फिर से आ गया आईपीएल में, अपने जितने जन है सब जन आईपीएल में शर्त लगा रहे थे अपने सब जन, फिर भी जब उस बेंच में लोग बैठे हुए ना, लास्ट वाले बेंच में, वो लोग कोई शर्त नहीं लगा रहे थे, अपने सब जन लगा रहे थे, वो लोग कोई नहीं लगा रहे थे, ठीक है। तो अपना ऐसा लग रहा है कि यार वो लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो उनसे पूछे, तो वो लोग को 142 के ऊपर शर्त लगाने में, लोग को लग रहा है काफी जन को कि 142 के ऊपर केकेआर बनाएगा, और उनमें से किसी किसी को लग रहा होगा 142 के नीचे बनाएगा, पर दोनों ही अपने मन को रोक लिए ना, क्यों, बिकॉज लग रहा है का मतलब तो एक्सपेक्टेशन है ना, उल्टा भी तो हो सकता है, तो 142 के ऊपर का शर्त जिसको लग रहा है वो नहीं लगा रहा है, क्यों, क्योंकि उल्टा हो गया तो लॉस लग जाएगा। तो मेनी पीपल डू नॉट वॉन्ट टू एंटर इन टू फॉरवर्ड फ्यूचर्स एंड स्वैप बिकॉज दे नो इफ दे गो रॉन्ग दे विल हैव टू पे मनी, ठीक है ना। इसके लिए अपने उनको एक, तुम में से कोई गया उसके पास और उसको बोला कि काम कर, तेरे को लग रहा है ना 142 के ऊपर जाएगा, मेरे को लगता है नीचे जाएगा, पर तुम एंटर करने को तैयार नहीं है, तो काम कर, तुम केवल मेरे को हर एक रन का, मैंने 10,000 रुपया बोला था यार, एक रन का क्या हो रहा है 10,000, पर तुम मेरे को केवल 30,000 रुपया दे दे, कितना, 30,000 रुपया, मैंने 3 रन का 30,000 रुपया। अब क्या होगा, अगर 142 के ऊपर गया, 142 के ऊपर जितना ऊपर गया, दैट इंटू 10,000 हम तेरे को देगा, यानी 172 हो गया, तो 172 माइनस 142 तुम उसको कितना देगा, 3 लाख, ठीक है, मैंने जितना ऊपर जाएगा हम तेरे को देगा, तेरे को तो यही चाहिए था ना ऊपर जाने से मिले, और अगर नीचे गया तो मेरे को कुछ मत देना, तुम मेरे को कुछ मत देना नीचे चला जाए तो ये तो F प्लस नहीं है, बिकॉज F प्लस पे तो होता है ऊपर जाने से उसको मिलेगा, नीचे जाने से वो देगा, और इस पे क्या कर लिए, अभी ये 30,000 रुपया दिया, अब ऊपर जाने से उसको मिलेगा पर नीचे जाने से वो कोई पैसा नहीं देगा, दिस इज ओनली अपसाइड बेटिंग, व्हाट बेटिंग, अपसाइड, वी कॉल इट कॉल ऑप्शन, क्या कॉल ऑप्शन, ऑप्शन ना हक, उसका हक है अपसाइड एंजॉय करने का, पर डाउनसाइड वो पैसा नहीं देगा, कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो तुमको मनी मन क्या लग रहा है, केकेआर एग्जैक्टली अराउंड 142 बनाने वाला है या उसके नीचे बनाने वाला है, तुम्हारे मन में ये बैठा हुआ है, तो तुमको लग रहा है 30,000 आ रहा है, आने देना यार, ऊपर तो बनाएगा नहीं, ठीक है, वैसे लग रहा है, ठीक है। और इनमें से जो लोग थे ना, जिन लोग को लग रहा था 142 के नीचे जाएगा, पर फिर भी ये लोग आ रहे नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट करने, तो अपने कोई पहुंचे, अपने वही बोले उसको, एक काम कर यार, तो मेरे को 40,000 रुपये दे दे, अब अगर केकेआर 142 के नीचे बनाता है, जितना नीचे बनाएगा हम तेरे को देंगे, पर ऊपर गया तो तुम मेरे को मत देना, माने वन साइडेड है, इट इज वन साइडेड। तो पुट ऑप्शन इज फॉर द डाउन साइड, कॉल ऑप्शन इज फॉर द अपसाइड। कॉल था ऊपर के लिए, ऊपर जाएगा डिफरेंस, नीचे जीरो, पुट नीचे के लिए, नीचे जाएगा डिफरेंस, ऊपर जीरो, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन वन साइडेड है, फॉरवर्ड फ्यूचर स्वैप क्या है, बोथ साइडेड है। अगर ए बी से, अगर ए बी से फॉरवर्ड फ्यूचर कर रहे हैं, ए बी फॉरवर्ड, तुम भी एफ प्लस एफ माइनस, शुरू में कौन किसको क्या पैसा देगा, कुछ नहीं, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। अगर 142 पे बेट लगा रहे अपने ऊपर नीचे का, तुम मेरे पे एहसान कर रहे हैं क्या, नहीं, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं क्या, नहीं, एक पैसा एक दूसरे को नहीं देना है। पर अगर कॉल ऑप्शन का बात है, ऑप्शन का, तो उसमें उन लोगों पे अपने एहसान कर रहे थे ना, अपने बोल रहे हैं हाँ ठीक है 142 के ऊपर जाएगा, तुम लोग ले लेना, नीचे देना नहीं पड़ेगा, तो जाहिर है हक का दाम तुम उससे लिया 30,000 40,000। ऑप्शन में कॉम्प्लिकेटेडनेस है, ऑप्शन लॉटरी का टिकट है, ऑप्शन क्या है, लॉटरी का टिकट, कि बस लॉटरी का टिकट का दाम लॉटरी बायर पे करेगा, और उसके बाद लॉटरी उठा तो उसका, नहीं उठा तो टिकट फाड़ के फेंक दो, पैसा गया ना। तो जो लॉटरी टिकट बेच रहा है वो सोच रहा है मेरे पास वो लॉटरी टिकट का दाम आ जाए, बिकॉज लॉटरी तो उठता थोड़ी है, लॉटरी उठता थोड़ी, वैसे ही ऑप्शन का एक्सरसाइज थोड़ी होता है, और होता भी तो थोड़ा बहुत,
ठीक है ना। तो सुनने में लगता है कि वो लोग ज्यादा फायदे में है क्या, बिकॉज वो लोग के पास आने को दुनिया है और जाने को जीरो है, ठीक है। बट एक्चुअली फायदे में वही होता है जो 30-40 रुपए में ले लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्शंस। तो ये तरह तरह का डेरिवेटिव होता है, फॉरवर्ड फ्यूचर्स स्वैप्स एंड ऑप्शंस, फॉरवर्ड फ्यूचर्स स्वैप्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। तो कॉल पुट में क्या डिफरेंस था, कॉल कहां के लिए था, ऊपर के लिए, और पुट कहां के लिए, नीचे के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी, जो आज टॉपिक था वॉलेटिलिटी, कोई आदमी जो ऑप्शन खरीद रहा है ना, पैसा दे रहा है, ऑप्शन खरीद रहा है, मतलब खरीद रहे, वो लोग विश करेगा कि एकदम जोर का मूवमेंट हो, जोर का मतलब केकेआर 200 के ऊपर बनाए, और अगर नीचे बनाए तो क्या फर्क पड़ता है, 10 रन पे आउट हो जाए तो भी, कौन सा वो लोग को 142-10 देना है, तो गॉड से क्या प्रे करेगा, जोर का जो हो, माने 142 के आसपास नहीं हो, चाहे तो ऊपर हो चाहे तो नीचे हो, बिकॉज ऊपर जितना हुआ उन लोग को उतना ज्यादा मिलेगा, पर नीचे अगर हुआ तो वो लोग को पैसा नहीं देना है। तो जो ऑप्शन बाई करता है वो लव करता है वॉलेटिलिटी, और जो ऑप्शन सेल करता है, तुम लोग जो 30,000 लेके बैठा था वो तो विश करता है 142 के आसपास ही रहे, समझ गया। तो वॉलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज जो मेरा फर्स्ट डिक्टेशन था, व्हाई डू वी रिक्वायर वॉलेटिलिटी, तो फर्स्ट बुलेट था टू कैलकुलेट रिस्क, और सेकेंड बुलेट था फॉर ऑप्शन प्राइसिंग, फॉर ऑप्शन प्राइसिंग, लॉटरी के टिकट का दाम विल डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो एक रफ आइडिया था डेरिवेटिव्स का, डिक्टेट करना बहुत डिफिकल्ट है, आई डोंट नो, आई एम यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर फॉर एडिटिंग, अगर ये वाला पार्ट जो डेरिवेटिव का बताया ये एडिट हो सकता है तो मैं इसको केवल अलग करके आपके मैंने YouTube पे शेयर करके उसका लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे खासकर जो लोग ऐसे फॉर्म अभी कर रहे हैं तो वो लोग भूल जाएंगे, तो दे कैन जस्ट री लिसन टू द सेम, ठीक है ना। तो आई एम नॉट डिक्टेटिंग बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, आपको YouTube का लिंक शेयर कर दूंगा, ये जो कितना मेरे ख्याल से 20 मिनट बोले हैं, ठीक है, तो कम से कम वो ध्यान तो रह जाएगा ना, ठीक है, ओके। वो हैंडआउट वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, प्लीज ध्यान रखिएगा, वही 32 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो डाउट्स वगैरह वो डिस्कस कर लेंगे।